दिन हमारी शादी की डेट डिस्कस हुई ना, ये फाइनल होगी कि चलो शादी की डेट ये होने वाली है, स्ट्रक्चर कैसा है, आपने पेमेंट कैसे करी, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ कोर्स. सो हेयर की क्लास में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है. मैंने काफी ओवरथिंक किया ज्वाइन करने से पहले. आई वाज लाइक शादी इज क्लोज, मुझे शादी की प्रेप्स करनी चाहिए. फ्यूचर में शायद मैं लेवल 3 करूँ, जो है डिप्लोमा इन 30-40,000 को एक लग्जरी स्टूपिड हैंड बैग में भी लगा सकती थी और खुश हो सकती थी. ओ माई गॉड, आई कैरी अ ब्रांड. बट ब्लॉग कर सकते हो या फिर आप शॉपिंग कर सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं होते. My name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Today's video is going to be a chit chat slash get ready with me. After a really long time, मैं ऐसी वीडियो कर रही हूँ जिसमें मैं बैठ के आपसे बातें भी कर रही हूँ और थोड़ा बहुत मेकअप लुक भी क्रिएट कर लेती हूँ. ऐसे कोई स्पेसिफिक लुक नहीं क्रिएट करने वाली, समथिंग जो मैं आजकल एवरीडे बेसिस पे यूज करना प्रेफर करती हूँ. अब थोड़ा सा विंटर आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा अब चेंज करने वाली हूँ अपना मेकअप रूटीन भी, तो मैं आपको एक अपडेट भी दे दूंगी. ऑल्सो साथ साथ हम करने वाले हैं लाइफ अपडेट भी. लास्ट लाइफ अपडेट मैंने किया था अपने रोके के जस्ट बाद, और उसमें खाली रोका वाली अपडेट था, लेकिन उसके बाद बहुत चीजें हुई है जिसकी मुझे अपडेट्स आपको देने हैं. सो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ. प्लस एक मेजर जो अपडेट है, जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है और आप डेली मेरी स्टोरीज देखते हो, डे 1 डे 2, आज मैं ये सीख रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ. और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, क्या है, क्या फीस है, व्हाट इज इट, आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आपको क्यों करना है ये, कहाँ से कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन है. तो मैंने कल ना Q&A भी डाल दिया था कि बता दो, मैं लाइफ अपडेट वीडियो बना रही हूँ, कुछ वैसे एक्स्ट्रा पूछना तो वो भी बता दो, तो उनके भी मैं आंसर दे दूंगी. सो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली है. सो अगर आप भी कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस फैक्टर भी हो सकता है, बिकॉज मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ. एक वीक हो गया मुझे वो कोर्स करते हुए, तो मैं आपको एक अच्छा इनडेप्थ अपना ओपिनियन भी दे दूंगी. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बाल मैंने कर लिया पीछे, बिकॉज फेस पर आता ना बड़ा अनोइंग हो जाता है. स्किन आई थिंक मुझे अभी प्रिपेयर करने की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं जस्ट अभी क्लास से आई हूँ. आज की क्लास बड़ी लंबी चली थी, आई थॉट जल्दी ओवर हो जाएगी, घर आके शूट कर लूंगी, लेकिन आज डेमो क्लास थी. आज हमने हल्दी मेकअप लुक का डेमो देखा था, और जब डेमो क्लास होती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है, वो पूरा आपको ऐसे ब्राइट को ऐसे रेडी करते हैं ना, पूरा वो डेमो करके दिखाते हैं. एंड बहुत लंबी क्लास थी, बट थैंक्स टू माय मेडिकेशन, मेरी दवाइयाँ चल रही ना, तो मेरा ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है. सो आई थिंक स्किन में इतनी ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे ज़रूरत है वो है एक अच्छे लिप केयर की, बिकॉज लिप्स हद से ज़्यादा सूख गए हैं. मैंने आपको अपनी मंथली पीरियड में भी बताया था, मेरी एक्ने की मेडिकेशन चल रही है, और उसमें सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है वो यही होता है, लिप्स बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है. प्लस अब विंटर्स आ गए हैं, अब तो वैसे भी जो सीजन चेंज हो रहा है ना, इस सीजन में सबको यही होता है, चापी हो जाते हैं लिप्स, ड्राई हो जाते हैं, या काफी बार जो आप लिपस्टिक्स यूज कर लेते हो उसकी वजह से बड़े डल डल हो जाते हैं. एंड वन ऑफ द बेस्ट लिप केयर प्रोडक्ट फॉर ऑल दीज लिप इशू इज दिस पर्टिकुलर जार. ये क्यूट सा जार आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ट्रस्ट मी, आई एम लविंग दिस वन. ये एक्वालॉजिका का रेडियंस प्लस प्लम्प लिप मास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल लव द पैकेजिंग, काफी क्यूट सी है, फ्रॉस्टेड ग्लास पैकेजिंग है, एंड यू कैन सी मैंने काफी यूज भी कर लिया है. आई एम लविंग दिस वन. वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज ये इसको बाकी जो लिप बाम आपको मार्केट में मिलते हैं ना उससे काफी डिफरेंट बनाती है, वो है इसके इंग्रेडिएंट्स प्लस ये कैसे वर्क करती है. सो ये 3-in-1 सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ये आपके लिप्स को नरिश भी करता है, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, एट द सेम टाइम एक रेडियंस लेके आता है, बिकॉज इसमें काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. एंड द स्मेल, मतलब स्मेल क्या, फ्रेग्रेंस बोलना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम बच्चों ने बबल गम खाते हैं, च्युइंग गम, इसकी बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस आती है, विच आई पर्सनली लव. बड़ा अच्छा लगता है इसको लगा के. सो मैं आपको एक बार स्वॉच करके दिखाती हूँ. सो ये लिप मास्क है, लेकिन ऐसा नहीं आपको खाली रात को यूज करना है. काफी लोग कहते हैं कि लिप मास्क को रात को यूज करना चाहिए, नहीं, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, जो आजकल मार्केट में सबसे महंगा लिप मास्क आता है ना, आई थिंक लानिएज का आता है, ये उससे बेटर ही वर्क करता होगा, इन अफोर्डेबल प्राइस. टेक्सचर भी काफी अच्छा है, एकदम मेल्ट हो जाता है आपके लिप्स पर, और बहुत ज्यादा नरिशिंग है. एंड द बेस्ट थिंग इज आप देख सकते हो कोई कलर पे ऑफ नहीं है, लेकिन ये कितना ज्यादा नरिशिंग फील होता है, मतलब इसको लगाते ही ऐसा लगता है हाँ फाइनली मैं बोल पा रही हूँ, बिकॉज अभी भी मेरे लिप्स बहुत ज्यादा चैपी हो रहे हैं, और बोलते वक्त बहुत इरिटेशन होती है, टाइट टाइट फील होता है. एक्स्ट्रा लेती हूँ एंड आई जस्ट मसाज इट ऑन माई लिप्स लाइक दिस, एंड इसका बहुत अच्छा एक ग्लॉसी इफेक्ट भी आता है. इसको लगाओ रात को अच्छे, इसकी थिक लेयर लगा के सो जाओ, सुबह जब उठोगे जो रिमेनिंग होगा ना, जो भी हल्का फुल्का लगा होगा, उसको टावल जो होता है ना, टावल से आप हल्का हल्का से स्क्रबिंग कर सकते हो, उससे आपकी सारी वो डेड स्किन भी हट जाएगी, प्लस एट द सेम टाइम एक नरिशमेंट भी मिलेगी, और दोबारा फिर इसको अप्लाई कर लेना. बट टॉक अबाउट द की इंग्रेडिएंट्स, इसमें आपको मिलेगा वाटरमेलन, जिसका अमेजिंग सा फ्लेवर आता है, फिर इसमें नायासिनमाइड, जो कहने की आपके लिप्स की जो डार्कनेस होती है ना उसको कम करने में हेल्प करता है, एक रेडियंस देता है आपके लिप्स को. फिर इसमें हाइलुरोनिक एसिड, विच इज अगेन
रियली नाइस फॉर डीप हाइड्रेशन. सो काफी देर बाद भी ना आपके लिप्स पे ऐसा ही लगता है कि अब लिप बाम सूख गया. काफी लिप बाम्स होते हैं 10-15 मिनट बाद ही ऐसा लगता है अरे कुछ लगाया ही नहीं है, बट इसके साथ वो केस नहीं है. काफी अच्छी डीप एक हाइड्रेशन देता है, प्लस इसमें शिया बटर भी है जो अगेन और ज्यादा नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग होता है. सो ये सारे जो इंग्रीडियंट्स है ना ये लिप्स के लिए एकदम परफेक्ट है. बेस्ट थिंग इज ये लाइट है, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी वो चिपचिप और ऐसे ग्रीसीनेस आपके लिप्स पर फील नहीं होती. काफी सारे जो लिप बाम होते हैं ना वो ऐसा लगता है लिप ग्लॉस ही लगा लिया, बड़े चिपचिप फील होते हैं. इसके साथ वाला केस नहीं है. इनकी जो यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है ना वो मॉइस्चर को लॉक भी करके चलता है एंड एट द सेम टाइम एकदम लाइट रहता है, आपके लिप्स को हैवी भी फील नहीं कराता. ऑल्सो एक्वालॉजिका के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो पीटा अप्रूव्ड हैं, दे आर वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री एंड दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नैस्टी केमिकल्स लाइक पैराबेन, फैलेट, सल्फेट, मिनरल ऑयल. और स्पेसिफिकली जब लिप केयर की बात आती है ना आई वुड से सेफ प्रोडक्ट्स ही यूज किया करो, बिकॉज चांसेस होते हैं हम बहुत ज्यादा भर के, मैं तो रात को बहुत ज्यादा भर के लिप मास्क लगाती हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी क्वालिटी या अच्छी ब्रांड का जो केमिकल फ्री हो वो ही लगाओ, बिकॉज थोड़ा बहुत जो अंदर जाता है एटलीस्ट वो हार्म नहीं करेगा आपकी बॉडी को. सो ओवरऑल डेफिनेटली चेक इट आउट, ये आपको एक्वालॉजिका की वेबसाइट पर बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस 20% ऑफ भी आप लगा सकते हो. मेरा कोड है कशिका20, एफिलिएट कोड नहीं है, दिस जस्ट फॉर माई ऑडियंस. इस कोड को जो अप्लाई करोगे आपको 20% ऑफ मिलेगा एक्वालॉजिका की वेबसाइट पर. नीचे लिंक दे दूंगी, चेक कर लेना. लेकिन अगर आपको लेना हो आपको अमेजॉन नायका पर भी ये मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना. ओवरऑल आई लव दिस वन. अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेकअप के साथ. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का टेक अ ग्लो एलिमिनेटिंग प्राइमर. मैं प्रोडक्ट की थोड़ा थोड़ा बताई देती हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए. बड़ा डल हो गया यार फेस, इसलिए ग्लो भी आ जाएगा, प्राइमिंग का काम भी कर जाएगा. ओके, सो बिगेस्ट अपडेट राइट नाउ, मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ. सो मुझे हमेशा से था कि मुझे शादी से पहले ना एक बेसिक वाला कोर्स करना है, बेसिकली अबाउट मेकअप, जो ब्राइडल मेकअप एंड ऑल होते हैं, ताकि मुझे एक अच्छी प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज मिल पाए. बिकॉज अभी भी यार मेकअप करना तो आता ही है, बट एक डिफरेंस होता है जो सेल्फ का मेकअप करते ना अपना मेबलिन लॉरियल का यूज करके, और जो ब्राइड्स पे होता है क्रायलॉन का, मेकअप स्टूडियो का, फेम, बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं और उस लेवल का वो मेकअप किया कर जाता है. एंड हेयर स्टाइलिंग, मतलब जो सबसे बुरा जो मेरा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर जिसमें मैं काफ़ी वीक हूँ वो हेयर स्टाइलिंग है. सो मैं काफ़ी टाइम से मानता कि वेन एवर आई गेट मैरिड मुझे ये कोर्स तो करना ही करना है. सो जिस दिन हमारी शादी की डेट डिस्कस हुई ना, ये फाइनल होगी कि चलो शादी की डेट ये होने वाली है, मैं लिटरली उस दिन शाम को वहाँ गई. मैंने अकेडमी ऑलरेडी देखी हुई थी जहाँ से मुझे करना था, मैं वहाँ गई, वहाँ बात वगैरह करके आई कि मुझे एक या दो महीने में ऐसा कुछ कोर्स बता दो जिसमें मैं सीख सकूँ. सो सबसे पहले बता देती हूँ मैं कोर्स कहाँ से कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आए थे Q&A में भी आई है कहाँ से कोर्स कर रहे हो. सो आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम ओरेन इंटरनेशनल. इट्स बेसिकली एन अकेडमी, जैसे लैक्मे की अकेडमी होती है, बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स की अकेडमी होती है, वैसे एक प्रॉपर इंटरनेशनल अकेडमी है. टन्स ऑफ कोर्सेज, मतलब अंत ही नहीं है इनके पास जो कोर्सेज है ना. इन्होंने फर्स्ट डे मुझे टूर दिया था पूरा अपना अकेडमी का, उसके अंदर नेल लैब है, स्किन की लैब है, हेयर की लैब्स हैं, ब्यूटिशियन कॉस्मेटोलॉजी के जो कोर्स होते हैं, फिर एक स्टूडियो लैब है, फिर मेकअप की लैब्स हैं. सो ये लैब्स बोलते हैं बिकॉज इनके अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आप हर अपनी पर्टिकुलर लैब में जाओगे. सो बहुत सारे कोर्सेज आपको जो करना है वो कर सकते हो. अगर आपको प्रॉपर एक सैलॉन लेवल का कोर्स करना है, लाइक मैं जब उनसे बात करने गई थी शी सेड अगर आपको प्रॉपर फ्यूचर अपना सैलॉन खोलना है तो आप सैलॉन लेवल वाला कोर्स करो, जो डिप्लोमा होता है बेसिकली DPIC समथिंग, डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी समथिंग. सो उसमें शी सेड एवरीथिंग इज कवर्ड. उसमें आपको कॉस्मेटिक्स का, मेकअप, हेयर तो होता ही होता है जो मैं सीख रही हूँ, उसके अलावा आपको स्किन ट्रीटमेंट्स का, स्किन के जितने भी फेशियल्स होते हैं उसका, आजकल जो भी हाइड्राफेशियल जो भी चल रहा है, वो सारी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं क्लिनिकल वाली नहीं लेकिन जो आप सैलून में भी कराते हो वो वाली ट्रीटमेंट्स, देन बॉडी स्पा, देन नेल का, हेयर का, जो भी सारे कोर्सेज होते हैं ना वो भी पूरा कर सकते हो. और मेरे बैच में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो प्रॉपर ये एक साल वाला कोर्स कर रही हैं, लेकिन एक साल देखो है नहीं मेरे पास, और प्लस मैं इतना सारा कोर्स करके करना भी नहीं चाहती बिकॉज मेरे यूज़ का नहीं है. मेरा लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर में गोल है वो यही है, मेकअप आर्टिस्ट लाइन में जाना, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस लाइन में हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में घुस सकती हूँ. मेरा मन है कहीं ना कहीं ब्राइडल्स इन फ्यूचर करने का, अभी तो इतना नहीं है बिकॉज मैं पहले हाथ सेट करूँगी अपना, किसी का अच्छा दिन में रोइन नहीं करूँगी ऐसे बस सीख के निकल के. मैं अभी सीखूँगी प्रोफेशनल लेवल पे, उसके बाद फ्यूचर में शायद मेरा है कि मैं फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल में जाऊँ. सो इसलिए मैंने ये वाला कोर्स लिया. सो मैंने जो कोर्स लिया है वो है AMU, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इन आर्ट ऑफ मेकअप. ये लेवल 1 एंड लेवल 2 कोर्स हैं. सो ओरेन इंटरनेशनल अकेडमी जो है वो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है अगर आपको नहीं पता, और इनके हर एक कोर्सेज के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आपकी मर्जी आपको कहाँ तक करना है. इसमें लेवल एक 3B होता है, मैं जो कर रही हूँ उसमें लेवल 1 है जिसमें सेल्फ मेकअप होता है, बड़ा बेसिक मेकअप होता है. अभी मेरा आजकल वही चल रहा है और मैं लिटरली मेकअप की क्लास में ऐसे बैठी होती हूँ कि यार ये तो मुझे आता है, मैं क्यों सीख रही हूँ. बट ठीक है, आप कहीं भी जाओगे आपको स्क्रैच से ही चीज़ें सिखाई जाएंगी, मतलब वो ऐसा क्रैश कोर्स टाइप नहीं है
जो आप मेकअप आर्टिस्ट से करते हो ना, इसलिए मैंने ये किया। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट से कोई कोर्स कर लेते, देखो डायरेक्ट ना आपको लुक्स क्रिएट करना सिखाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मुझे फ्रॉम स्क्रैच, मैं कभी भी कोई लाइफ में चीज़ करती हूँ ना, मुझे एक चुल होती है कि जब सीखना है ना तो प्रॉपर स्क्रैच से सीखना है या फिर नहीं सीखना। सो इसलिए मैंने कोर्स भी ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे पता है मुझे चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर बेसिक से ही सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सीधा आपको लुक्स कैसे क्रिएट करनी है। तो आई नो अभी मुझे क्लासेस बोरिंग लग रही है मेकअप की स्पेशली, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से अभी इतना लेट नहीं कर पा रही, वो चीज़ें मुझे आती हैं, बट जब चीज़ें हाई लेवल पर जाएंगी तो आई थिंक मुझे नॉलेज मिलने वाली है। जैसे आज हल्दी मेकअप लुक का डेमो था, और वो हमारे बैच का नहीं था, वो दूसरे बैच का था, हमें उन्होंने बोल दिया था कि आप अटेंड कर लो बिकॉज मेकअप की क्लास फिर ऑक्यूपाइड रहती है। आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन, के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, जो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है ना, तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। द शेड इज़ 125 वाई मीडियम, सूट्स मी परफेक्टली। सो आज जब मैंने डेमो क्लास में देखा ना कि एक्चुअल में ब्राइडल मेकअप कैसे होता है, कितनी लेयर्स लगाई जाती है, कलर करेक्टिंग कैसे करी जाती है, जो डर्मा के प्रोडक्ट्स होते हैं क्रायलॉन के, वो कौन से यूज़ करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने रिसेंटली आपको दिखाया भी था, मैंने क्रायलॉन का पैलेट ऑर्डर किया था नायका से, और मैंने वो ऑर्डर किया था क्रायलॉन सुप्रा, और मुझे पता नहीं था कि जो सुप्रा होता है वो ऑयल बेस्ड, इनके क्रायलॉन के प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयल बेस्ड होता है, वो ग्रीसी होता है, वो ड्राई स्किन टाइप के लिए होता है, जबकि जो डर्मा रेंज होती है वो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए होती है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक नॉलेज आपको प्रॉपर एक कोर्स करके ही पता चलेगी। ये तो है लेवल 1 एंड लेवल 2 तक मुझे सिखाया जाएगा, जिसमें सारा ब्राइडल मेकअप, अलग अलग पार्टी, रिसेप्शन, सगन, सगाई। आप अगर ओरेन की वेबसाइट खोलोगे ना, आपको दिख जाएगा, आप अपने कोई भी नियर बाय ओरेन की अकेडमी चले जाओ, ओरेन की अकेडमी दिल्ली में काफ़ी जगह है, सो आप इजीली जा सकते हो। सो आप जब वहाँ पर जाकर देखोगे ना, वो आपको टॉपिक्स भी बताएंगे कि इस इसमें ये टॉपिक है। सो इस वाले कोर्स में तो यही है, उसके बाद आता है लेवल 3, विच इज़ उस लेवल 3 को करने के बाद आपको मिल जाता है डिप्लोमा। सो अभी मैं सर्टिफिकेशन कोर्स कर रही हूँ, जो मैं 2 महीने में निपटा दूंगी, बिकॉज मैं डबल शिफ्ट्स लगा रही हूँ, मैं हेयर मेकअप की साथ साथ ले रही हूँ। अगर मैं अलग अलग लेती ना तो लंबा ये कोर्स चलता, बट मैं जल्दी कर दूंगी इसको, बिकॉज मुझे वाइंड अप करना है। सो फ्यूचर में शायद मैं लेवल 3 करूँ, जो है डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप, उसको DIPM बोला जाता है, वो लेवल 3 होता है। सो उसको करने के बाद आपको ये पूरा डिप्लोमा मिल जाता है, और ये पूरा मेकअप रिलेटेड होता है विद हेयर स्टाइलिंग। सो इसमें आपको जितने भी पार्टी के, ब्राइडल के हेयर स्टाइलिंग वगैरह होते हैं, वो सब सिखाया जाता है, एंड ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल लेवल का मेकअप होता है। सो वो मैंने फ्यूचर के लिए रखा है कि कोई नहीं, दिल्ली में काफ़ी जगह अकेडमी है, अगर शादी के बाद मुझे लगता है कि मेरा और आगे सीखने का मन है तो मैं लेवल 3 भी कर लूँगी, बट अभी मैं खाली लेवल 2 तक ही कर रही हूँ। एंड या आई एम लविंग इट, आई थिंक हेयर की क्लास में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब उन्होंने बताया ना कि मेरे कोर्स में हेयर स्टाइलिंग एंड ऑल भी इंक्लूडेड है, मतलब क्या करना है हेयर स्टाइलिंग सीख के, बिकॉज मुझे नहीं मज़ा आता था, बट मैं फर्स्ट डे गई और भाई इतना मज़ा आया ना हेयर स्टाइल्स बनाने, मतलब आई थिंक थेरेप्यूटिक होता है। मैं तो शायद एक डमी लेने वाली हूँ, मैंने अपनी वहाँ पे ट्रेनर से ही पूछ लिया कि ये डमी कहाँ मिलती है, बिकॉज मैं जब वो हेयर स्टाइलिंग करती हूँ ना, इतना थेरेपी ऐसा फील होता है कि जो भी टेंशन होती है, जो दिमाग में चल रहा होता है, सब कहीं ना कहीं उसको चैनलाइज कर दो और कुछ ना कुछ एक अच्छा हेयर स्टाइल क्रिएट करो। सो हमने नॉर्मल ब्रेडिंग सीखी है, डच ब्रेड सीखी है, रिवर्स ब्रेडिंग, देन साइड वाली, फ्रेंच वाली, बैक कॉमिंग, अब तो स्टार्ट ही हुआ है, उसके बाद हम थोड़े बहुत और टॉपिक सीखेंगे। 2 मेरा जो कोर्स है उसमें खाली बेसिक हेयर स्टाइलिंग है, मैं भी प्रो वाला कोर्स नहीं करी हेयर स्टाइलिंग का। इनके पास हेयर स्टाइलिंग में भी अलग से कोर्स है, अगर आप खाली हेयर में जाना चाहते हो, आप हेयर डिजाइनिंग में भी कर सकते हो। एंड नो दिस वीडियो इज नॉट इन स्पॉन्सरशिप विद ओरेन, मैंने पूरी फीस दी है यार, 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिला मेरे को। आई रिमेंबर मैं 1 तारीख को गई थी, 1st या 2nd नवंबर को गई थी, एंड द लेडी वॉज लाइक अगर आप 3 दिन पहले आते ना तो आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल जाता, बिकॉज दिवाली समथिंग ऑफर चल रहा था, और मैंने उनको काफ़ी बोला कर दो डिस्काउंट कर दो, शी वॉज लाइक नहीं, हमें रेट जो होते हैं वो पीछे से आते हैं, हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। सो यार मेरा थोड़ा नुकसान हो गया, मुझे डिस्काउंट वाली फीस नहीं मिली, बट मुझे करना था यार, मेरा बहुत टाइम से मन था। आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी काफ़ी देखा होगा कि मैं बोलती थी मुझे मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है। आर यू परसुइंग दिस, उसका मैंने आंसर दे दिया। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, आपने पेमेंट कैसे करी, व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ कोर्स, सो मैं फीस स्ट्रक्चर का बता देती हूँ। मेरा जो कोर्स है, जो सर्टिफिकेट इन आर्ट ऑफ मेकअप AMU जो मैं कर रही हूँ लेवल 2 तक जो होता है, उसकी मैंने फीस दी है 36,000 ऑल इंक्लूसिव, जो सारा टैक्स एंड ऑल मिला के होता है, वो है 36,000 रुपीज़, और ये 1 go में ही देने होते हैं। उनके पास आई थिंक EMI समथिंग का ऑप्शन नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उनके पास नहीं था, देवर लाइक 1 go में आपको फीस पे करनी होती है। डिस्काउंट का मुझे बड़ा दुख हुआ, बिकॉज आई रिमेंबर मैं 2nd नवंबर को गई थी और उनका कुछ दिवाली ऑफर चल रहा था उस अक्टूबर के मंथ में ही, तो 4,000 कम थी फीस, तो आई थिंक मुझे अगर मैं जल्दी जाती ना मुझे 32 समथिंग का पड़ता, बट चलो ठीक है, मैंने उनको काफ़ी बार बोला मुझे दे दो डिस्काउंट। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ओरेन, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही, मैं आपको एकदम सच्चाई वाला अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। अभी तो शुरू हुआ है तो मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकती, जब प्रॉपर आगे चलेगा तब शायद मैं आपको थोड़ा बहुत और ज्ञान दे दूं, बट फॉर नाउ
देखो अगर मेरे से आप पूछोगे कि फीस की वर्थ है, आई वुड से उनके लिए वर्थ है जो इसको प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हैं. अगर आप अपने लिए या फिर खुद के लिए मेकअप सीखना चाहते हो ना, तो आई थिंक आप ऐसा कोर्स ना भी करो तो चल जाएगा, बिकॉज आप यूट्यूब एंड ऑल खोलोगे ना, आपको बहुत अच्छे वहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे. यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स, इंस्टाग्राम के ट्यूटोरियल्स आर मोर देन इनफ. और जो सेल्फ मेकअप होता है ना, वो बहुत लाइट होता है. उसमें आप मेबेलिन, लॉरियल ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करके सेल्फ मेकअप खुद कर सकते हो. लेकिन जो ब्राइडल मेकअप होता है, जो आप क्लाइंट्स पे करते हो, जो फ्लैश फोटोग्राफी के लिए होता है, देखो उसके लिए आपको प्रोफेशनल लेवल पे सीखने की जरूरत होती है. तो यस, अगर आपका फ्यूचर गोल है मेकअप आर्टिस्ट में जाना, अगर आपको अपना सैलून खोलना है, आपको ब्यूटिशियन का कुछ करना है, या फिर आप कुछ और ट्रीटमेंट्स एंड ऑल में भी सीखना चाहते हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हो प्रॉपर वाला. अदरवाइज आई थिंक 36K इज अ लॉट फॉर सेल्फ मेकअप. मेरी फ्रेंड भी कह रही थी मुझे भी सीखना, तो मैं ज्वाइन कर लूँ. एंड आई वाज लाइक यू डोंट नीड इट, बिकॉज ये प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है. ये आप तभी करो जब आपको उस लाइन में जाना है, अदरवाइज इतनी कोई नीड नहीं है आपको इतना अमाउंट लगाने की. और ये जो फीस है ना, ये मेरे ही कोर्स की फीस है. अगर आप प्रॉपर लेवल 3 वाला करोगे तो उसकी आई थिंक 28,000 या 30,000 और फीस है. 55 समथिंग का वो कोर्स है. फिर जो साल वाला पूरा डिप्लोमा होता है, जिसमें आपको स्किन, हेयर डिज़ाइन, नेल्स का जो भी सारा कोर्स होता है, वो आई थिंक 1.5 से 2 लाख का है. बिकॉज मेरे एक बैच में लड़की है जो पूरा वाला कर रही है, 1 साल का जो डिप्लोमा होता है इन होल स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी, वो आई थिंक शी सेड मैंने 1.7 पे किया है. सो यार, दीज कोर्सेज आर एक्सपेंसिव. एंड ये एक्सपेंसिव एक इसलिए भी है, बिकॉज नंबर वन इट्स प्रॉपर अकेडमी, आपको एक अच्छी नीट एंड क्लीन अकेडमी से सीखने को मिलता है. सेकंड, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. मैंने हेयर में भी नोटिस किया, उन्होंने ऐसे कोई सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं रखे हुए हेयर में. उनके पास सारे आइकॉनिक के प्रोडक्ट्स थे, जो आइकॉनिक स्ट्रेटनर्स, कलर्स होते हैं. बिकॉज मैं एक हफ्ते से पहले नोटिस ही कर रही हूँ कि चीज़ें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं. सेम इन द केस विद मेकअप, मेकअप में भी वहाँ पर ही आपको मेकअप नहीं मिलता. बाय द वे, इस वाले जो पैकेज है ना, अमाउंट में मेकअप नहीं मिला है. मुझे मिला है ब्रश किट, एक ब्यूटी ब्लेंडर, और क्या मिला है, और कोम मिला है हेयर क्लास में, कोम और थोड़ी बहुत क्लिप्स उन्होंने दिया. मेकअप आपको नहीं मिलता, मेकअप वहाँ पर ही होता है सारा, जो प्रोफेशनल मेकअप होता है. आप उसको यूज़ करके वहीं पर लुक्स क्रिएट कर सकते हो, घर नहीं आप लेके जा सकते. और एंड में भी जो आपको बताएंगे ना मेकअप वैनिटी कैसे बतानी है, आपको ब्रांड्स एंड ऑल सब बताएंगे, लेकिन मेकअप नहीं देते. सो या दिस अमाउंट एक्सक्लूड्स ऑल द मेकअप. वो अगर आप लोगे अपना प्रोफेशनल लेवल का, तो वो आपको अलग कॉस्ट करने वाला है. ब्लश लगा रही हूँ मैं, सिंपली नाम का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, गर्ल नेक्स्ट डोर. मैंने जस्ट अभी अपने मंथली फेवरेट्स में भी दिखाया था, लव दिस वन. अनदर थिंग, ये जो इनकी फीस है ना, ये फिक्स नहीं है. अगर आप कहीं और से पूछोगे सेम ओरियन अकेडमी में, फीस ऊपर नीचे हो सकती है. इसीलिए इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन नहीं करी हुई. इन्होंने मुझे भी यही बोला था कि हमारी फीस डिफर करती है सेंटर टू सेंटर, वो सिटी कैसी है, टीयर वन सिटी, टीयर टू सिटी, उसके हिसाब से अमाउंट भी डिफर करता है. सो आई एम नॉट श्योर, आप गूगल कर सकते हो कि आपके घर के पास कौन सी वाली अकेडमी है. अदरवाइज आपको और भी अकेडमीज मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है वो खाली ओरियन से करना है. जस्ट रिसर्च अबाउट इट रियली वेल. ये भी डेमो क्लास देते हैं, सारी अकेडमीज ना डेमो क्लास देती है. तो आई वुड से अगर आप बिल्कुल अनश्योर हो ना कि वो अकेडमी इतना अच्छा करा रही है, नहीं करा रही है, या वो प्रोडक्ट्स कैसे यूज कर रही है, जस्ट टेल देम कि मुझे एक डेमो क्लास देखनी है. मैं आप देखना चाहती हूँ कि आप डेमो में कैसा पढ़ाते हो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो. बिकॉज जब तक आप डेमो नहीं लोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा अबाउट एवरीथिंग बेसिकली. और जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो बनता है यार, खुल के बोलो कि मुझे डेमो क्लास लेनी है देने के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेकअप कोर्स. इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट का इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट. ये है शेड मिडनाइट मैजिक, लव द शेड ऑफ दिस वन. ये मैंने अभी मंथली फेवरेट्स में आपको दिखाया ही था. मैं खाली इनका एक न्यूड शेड यूज़ करने वाली हूँ, ये वाला बहुत हल्का आई शेडो कर रही हूँ, नथिंग ड्रास्टिक. मैंने बोला ना एकदम एवरीडे लुक क्रिएट कर रहे हैं, सो ज़्यादा कुछ नहीं करना. आई शेडो भी यार जब दूसरों पर करते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्रीज का है. बिकॉज काफ़ी सारी स्किन टाइप अलग होती है, किसी की फाइन लाइंस होती है, किसी की एजिंग वाली स्किन होती है, किसी की यंग स्किन होती है. तो मैंने अब अपने बैच में ना सारे दोस्त वोस्त बना लिए. मैंने सबको बोला कि मैं सबके ऊपर एक एक बार प्रैक्टिस करूंगी, बिकॉज मुझे डिफरेंट स्किन टाइप्स और टोन्स पर भी प्रैक्टिस करना है. शेड ऑफ दिस वन बड़ा प्यारा लगता है, एकदम न्यूट्रल, न्यूट न्यूट सा. अब देखो जब मैं खुद पर आई शेडो लगा रही हूँ, मैं कितना स्मूथली लगा पा रही हूँ, मुझे ऐसा डर नहीं लग रहा. मेरे इमोशंस काफ़ी एकदम सेक्सी जा रहे हैं, एकदम अच्छी तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ. लेकिन जब मैं कल किसी और पे मेकअप कर रही थी ना, लिटरली आई वाज लाइक ये लगाऊं वो लगाऊं, मैं उनको बार बार बोल रही थी आंख खोल के, ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है ना. बिकॉज नहीं होता भाई, दूसरे पे मेकअप करना बहुत मुश्किल है. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस कोर्स के थ्रू ना मैं दूसरों पर मेकअप करना अच्छे से सीख लूँ. बिकॉज चाहे मैं प्रोफेशनल लेवल पर करूँ या ना करूँ, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली का तो अच्छे खासा मैं मेकअप स्टाइलिंग एंड ऑल कर ही पाऊंगी. बिकॉज जब इतने प्रोडक्ट्स हैं ना, तो उनको जस्टिफाई करना भी आना चाहिए. यू गाइज नो आई सक एट आई शेडोज, मैं इतने कोई प्रो लेवल का आई शेडो नहीं कर पाती.
सो या दैट्स वाई इट्स अ वेरी नाइस मीडियम टू लर्न एंड सीखने को एज नहीं होती यार, जब लगे ना मन है टाइम है तो कर ही लो. मैंने काफ़ी ओवर थिंक किया ज्वाइन करने से पहले, आई वॉज लाइक शादी इज़ क्लोज, मुझे शादी की प्रेप्स करनी चाहिए, मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे टाइम इन्जॉय करना चाहिए, एंड देन आई वॉज लाइक यार करके ख़त्म करो, यू नेवर नो आगे जाके इतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा. अभी मैं फ्री हूँ, मैं उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ, आई लिव इन माई ओन फैमिली, मुझे टेंशन नहीं है, माई मदर है, माई भाभी टू हैंडल द हाउस, तो मुझे वो वाली टेंशन नहीं आ रही, मुझे घर हैंडल करना है, ये देखना वो देखना. तो क्या ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं. सो आई थिंक अगर आप यंग एज में ये चीज़ें करके सीख लोगे ना तो एकदम बेस्ट रहेगी, आगे के लिए टेंशन नहीं रहती. और जो रही इनके लेवल्स की बात, लेवल 3 डेफिनेटली अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं लेवल 3 भी इन फ्यूचर कर ही लूंगी. कमिंग टू मस्कारा, आई विल बी यूजिंग दिस मेबलिन स्काई हाई मस्कारा, आजकल का मेरा फेवरेट चल रहा है. लव द पैकेजिंग ऑफ दिस वन, मतलब इसकी जो ये टिप है ना, ये मेरी हुडेड आइज के लिए एकदम परफेक्ट है. मैं इनके साथ डेडिकेटेड वीडियो भी करी हुई है तो आप देख सकते हो. अप्लाइंग लिटिल बिट, ज़्यादा हैवी नहीं कर रही, हल्की हल्की अप्लाई कर रही हूँ. सो ये तो होगी अपडेट नंबर 1. सेकेंड अपडेट मैंने आपको बताई दी थी शुरुआत में ही कि शादी की डेट आ गई है. वी हैव द वेडिंग डेट, जो ऑब्वियसली मैं बताने नहीं वाली, बिकॉज ठीक है यार, यू गाइस नो मैं चीज़ों को पर्सनल रखती हूँ, जब तक होती नहीं है. आई एम दैट पर्सन जिसको बड़ा डर लगता है चीज़ें गाने से या फिर बताने से. सो जब होगा तब तो आपको पता ही चल जाएगा जैसे जैसे क्लोज आएगा. और अपकमिंग टाइम में आपको बहुत सारा शादी रिलेटेड कॉन्टेंट शायद मिल जाएगा, जो भी प्रिपरेशन एंड ऑल होती है. मैं जो भी मार्केट जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करूँ, दो आई ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, बिकॉज मैंने देखा या तो आप व्लॉग कर सकते हो या फिर आप शॉपिंग कर सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं होते. या तो मुझे एक इंटर्न चाहिए जो मेरे साथ मेरी वीडियो बनाता रहे. मेरा मन है यार इस बार इंटर्न हायर करने का, कि एटलीस्ट कमिंग फ्यू मंथ्स के मैं कोई इंटर्न हायर कर लूँ. मार्केट्स वगैरह जाओ ना तो फिर मैं दिमाग फिर अपना शॉपिंग में लगाऊंगी. मैं ऐसा नहीं हो वो क्लिप्स शूट करनी है, वो वीडियो बनानी है, बड़ा मुश्किल होता है यार, दोनों काम करना इज वेरी टफ. ये नरिशिंग लिपस्टिक है लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है मेरी लिप्स पर थोड़ी देर बाद क्रैक हो जाएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं. सो मैं सेम एक्वालॉजिका का लिप मास्क ही यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा ले रही हूँ, इस बार ज़्यादा ही ले रही हूँ, पहले मैंने ज़्यादा लिया था लिप्स को प्रिपेयर करने के लिए, बहुत थोड़ा ले रही हूँ. आई जस्ट टेक इट एंड अपने लिप्स पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी, एकदम ग्लॉसी हो जाते हैं लिप्स, है ना, अच्छे लगते हैं. वी आर डन, दिस इज़ लाइक द मोस्ट बेसिक लुक एवर. कुछ ज़्यादा मैंने हैवी किया नहीं है इसमें, समथिंग वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी. दोबारा देख लेते हैं कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, सो दैट आई कैन आंसर प्रॉपरली इन दिस वीडियो. मैंने बोला था ना अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, पूरा समझाऊंगी. या आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया, ड्यूरेशन कितनी है, कॉस्ट कितनी है, कहाँ से कर रही हूँ, कौन सा वाला कोर्स है, वाई आर यू जॉइनिंग दिस, रीजन मैंने दे दिया. किसी ने बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछा है, आर यू डूइंग अ मेकअप कोर्स और फुल पार्लर कोर्स, विल यू यूज दिस इन फ्यूचर, आई मीन आर यू गोइंग टू ओपन अ सैलॉन और अ पार्लर. मैंने आपको बोला अभी का ये गोल नहीं है, अभी तो मैं फ्रीलांसिंग एंड ऑल में जाना चाहती हूँ. वो भी सोचा है कि जब मेरा हाथ एकदम सेट हो जाएगा, जब मुझे लगेगा या मैं कहीं ना कहीं इतना एक ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं एक अच्छी ब्राइडल लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ, तब मैं डेफिनेटली जाऊँगी फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल में. बट या उसके बाद जो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल है, यू नेवर नो, मेरा मन करे कि मुझे अपना कुछ ब्रांड खोलना है, सैलॉन खोलना है, जो भी खोलना है. सो उसके लिए एक अच्छा प्रोफेशनल लेवल का कोर्स आना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से ऐसी बस यूट्यूबर थे, थोड़ा बहुत आता था तो अपना सैलॉन खोल लिया. आई रियली वॉन्ट कि मैं जो भी फील्ड में जाऊँ मैं एक अच्छा सर्टिफिकेशन अच्छा एजुकेशन लेकर ही जाऊँ. मेरी माई जर्नी हैज़ बीन रियली वियर्ड, मतलब मैं साइंस से लेके इंजीनियरिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग इन PR, और अब मैं आ गई हूँ मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स में. सो यार मैं मेरे को बड़ा कीड़ा है हर चीज़ का एकदम ज्ञान लेने का, जहाँ से मिल रहा है ले लो. और आई थिंक अगर मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ तो मेरा मन होता है एक अच्छी जगह पैसा लगाने का. मैं 30-40,000 को एक लग्जरी स्टूपिड हैंडबैग में भी लगा सकती थी और खुश हो सकती थी, ओ माय गॉड आई कैरी अ ब्रांड. बट आई थिंक मेरी अभी वो प्रायोरिटी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है मैं अभी जितनी चीज़ों को वैल्यू में लगाऊँ ना, वैल्यू सीखने में लगाऊँ उतना अच्छा है. आई थिंक वो सब ब्रांड्स एंड ऑल मैं फ्यूचर में ले सकती हूँ जब मुझे लगेगा मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है. ऐसा होता ना कि हाँ यार सब कुछ है तो एक लग्जरी में इन्वेस्ट करो. अभी मैं इतना ब्लाइंडली लग्जरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. सो मैंने इस पे कोर्स पे इतना पैसा लगाया ना तो मुझे इतना रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं से ऐसे एक वैल्यू लेने वाली हूँ जो मुझे आगे काम आएगी. सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड या आई होप ये वीडियो आपके लिए एकदम हेल्पफुल रही होगी. इसके अलावा जो भी डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करें उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बहुत सारे मैं स्टोरीज डालने वाली हूँ. मैं रोज़ जब जाती हूँ तो मैं डाल ही देती हूँ, आज मैंने ये वाला हेयर स्टाइल सीखा, आज मैंने ये सीखा. मैं कहीं ना कहीं से आपको प्रोडक्ट नॉलेज रिव्यूज़ भी देने की कोशिश करूँगी. सो छोटा मोटा जो कशिका ज्ञान है वो आपको मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मिल जाएगा. सो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.